ठीक है, यहाँ समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। तो वो कोई भी चीज़ थ्रो करता है तो वो कितने दूर पे जाकर गिरते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो जो इसके पैरेलल है उसको तो हम लेंगे यू कोस थीटा, कोस थीटा से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो इसके परपेंडिकुलर है उसको यू साइन थीटा दे, ठीक है। टाइम यहाँ पे जीरो है क्योंकि टाइम तो उसको पता ही नहीं, ठीक है। वैल्यू उसने ले ली जो एंगल बनना चाह रहे हैं थीटा, ठीक है, एंगल हो गया थीटा। यहाँ पे टाइम टी वन लेट कर लिया यू वन, ठीक है। वी वाई यहाँ पे जीरो क्योंकि जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट वो अभी निकालनी है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जो फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को हमने मान लिया एक्स, कि एक्स डिस्टेंस लेट किया इसने, ठीक है। स्पीड यू कोस थीटा, ठीक है। टाइम टी, टाइम क्या आ गया हमारा एक्स अपॉन में यू कोस थीटा, जिसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हमने फर्स्ट लेट कर लिया। टाइम इज इक्वल टू एक्स अपॉन में यू कोस थीटा, ठीक है। तो इसको हम आगे यूज भी करेंगे। तो आगे आता है सेकेंड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन, वही फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट वाला, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो मैंने कल आपको बताया भी था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन को जी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेंगे वाई से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, इसलिए यू साइन थीटा। यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्र, ठीक है, हाफ जी टी स्क्र। वाई इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई यू कोस थीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी टी। टाइम था जो उसको, ये रहा टाइम जो हमने फर्स्ट लेट किया था, फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्र अपॉन में यू स्क्र कोस स्क्र थीटा, ठीक है। तो वो कल वाला काम ही, तो हमने यहाँ कर लिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हमने यह टेन थीटा ले लिया, टेन थीटा एक्स माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्र अपॉन में यू स्क्र कोस स्क्र थीटा, ठीक है। तो वाई को हमने क्या लेट कर लिया, वाई को हमने बोल दिया यहाँ पे ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्र से, ठीक है, जो हमारी पैराबोलिक इक्वेशन है दूसरी। तो आगे हमको निकालना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, के फ्लाइट ने कितना टाइम लिया। तो जो इसमें जो टोटल टाइम टेकन होगा वो दोनों टाइम के इक्वल होगा, जो टाइम हाइट तक पहुंचने में लगा मैक्सिमम, और जो आगे की हाइट है, ठीक है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं जो टाइम वन है वो टाइम टू के इक्वल है, ठीक है। तो टोटल टाइम किसके इक्वल आ गया, टू इंटू टी वन के, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ गया, जो हमारा फॉर्मूला था वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला यहीं यूज किया। तो यहाँ पे जो वी की वैल्यू है वो तो जीरो आ गई, वेलोसिटी तो यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो यू साइन थीटा लिया हमने माइनस हाफ जी टी, ठीक है, माइनस जी टी सॉरी। तो हमारे टाइम की वैल्यू आ गई यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो ये टाइम वन की वैल्यू है, तो हमको टोटल टाइम नहीं निकालना है। तो टोटल टाइम को निकालने के लिए क्या करेंगे, टू इंटू टी वन करेंगे, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू टू इंटू टी वन, तो हमने यहाँ से हमारा टाइम निकल गया टू यू साइन थीटा अपॉन में जी, ठीक है। तो अब हम करते हैं फोर्थ, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, के प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी होगी, तभी तो हम मैक्सिमम हाइट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हाइट मैक्सिमम क्या होगी, उसी फॉर्मूले से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एच ले लिया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को, यू साइन थीटा टी, ठीक है, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। वही वाले टाइम की वैल्यू ले ली यहाँ पे, जो यहाँ से निकली निकली यू साइन थीटा, टाइम क्या आया यू साइन थीटा अपॉन में जी, ले लिया यू साइन थीटा अपॉन में जी माइनस हाफ जी यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में जी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये कट होके आएगा हमारा, हाइट आ जाएगी यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो हमारी हाइट आ जाएगी टोटल यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, मैक्सिमम हाइट जो मैंने आपको दिखाई थी उस फॉर्मूले में, कि हाइट मैक्सिमम जब थीटा 90 डिग्री इक्वल हो जाता है तो हाइट मैक्सिमम होती है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर था उसके, ठीक है, बेस के। तो जब थीटा ही 90 हो जाएगा तो उसका कितना हो जाएगा, यू स्क्वेयर अपॉन में 2g हो जाएगा फॉर्मूला, हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला, तो यू स्क्वेयर अपॉन में 2g। तो अब हम निकालते हैं फिफ्थ, हॉरिजॉन्टल रेंज, कि उसकी रेंज कितनी होगी। जैसे हमने कल रेंज निकाली थी, मतलब वो कितनी दूर तक जाएगा, ठीक है। तो हाइट इंटू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू यू साइन थीटा
टू साइन थीटा अपॉन में जी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमने किया तो हमारी रेंज निकल गई यू स्केयर साइन स्केयर साइन टू थीटा निकली अपॉन में जी, ठीक है। तो रेंज मैक्सिमम क्या आ गई हमारी यू स्केयर अपॉन में जी, ठीक है। तो अब हमारे रेंज भी निकल गई मैक्सिमम और हाइट मैक्सिमम भी निकल गई और रेंज भी निकल गई मैक्सिमम की, ठीक है। तो अब हम करते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी, कि हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। तो वही वाला फॉर्मूला वी आर इज इक्वल टू वी स्केयर वी एक्स स्केयर प्लस वी वाई स्केयर प्लस टू वी एक्स वी वाई कोस थीटा, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले में अपनी सारी चीज़ें पुट कर दी तो हमारा आ गया वी आर इज इक्वल टू यू स्केयर जी स्केयर टी स्केयर माइनस टू यू जी प्लस साइन थीटा। तो हम अब डायरेक्शन के निकालते हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए, तो हमने उसका एंगल लिया था बीटा, ठीक है। तो टेन बीटा इज इक्वल टू वी एक्स वी वाई अपॉन में वी एक्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमारी डायरेक्शन भी निकल गई, तो हमारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल आज खत्म हो गया।